शंकराचार्य द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री राजराजेश्वराश्रम जी महाराज जूना पीठाधीश्वर स्वामी श्री आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज और ऐसे दिव्य दिव्य महान महान मूर्तियां जो हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं, हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि हम उनके दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव के जन्मोत्सव पर आए, गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त हुई, माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, माँ गंगा के निर्मल जल में पावन स्नान किया और अब हम अंतःकरण को शुद्ध करने जा रहे हैं। हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ आकर के सभी विद्वान जनों के मध्य उनके सम्मुख बैठ करके उनके आशीर्वचनों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जगद्गुरु शंकराचार्य परम पूज्य महाराज श्री और हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एवं माता मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज एवं महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद जी महाराज एवं सभी पूज्य संत चरण सभी महानुभाव भगवत प्रेमी मातृशक्ति, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे निरंजन पीठाधीश्वर महाराज श्री का जन्मोत्सव एवं संन्यास दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पर उनको शुभकामना देने के लिए अपनी अपनी बधाई देने के लिए हम यहाँ पे सब लोग आए। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के 100 शतक मारे थे, ऐसे हमारे आचार्य जी भी आयु के 100 साल जिए, उससे भी ज़्यादा जिए, ऐसे हम उनके लिए माता गंगा से प्रार्थना करते हैं और सभी को मंगल कामना देते हुए संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। इसी श्रृंखला में महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा श्री राघवेंद्र भारती जी। कोटि कालं लाभासं चतुर्भुजं त्रिलोचनं शमशानाष्टक मध्यस्थं मुंडाष्टक विभूषितं परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय हमारे निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज मंच पर विराजमान, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज एवं संत समाज, हमारे आज बहुत खुशी की बात है कि आज के दिवस पर हमारे परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी का जन्मोत्सव माँ गंगा के पावन स्थान सिद्धपीठ माँ दक्षिण कालिका के प्रांगण में मनाया जा रहा है। हमारे महाराज जी जो सदैव सनातन धर्म की पूरे विश्व में सेवा कर रहे हैं, सभी सनातनियों को अपने धर्म से जोड़ रहे हैं, जो दिन रात सनातन की सेवा में लगे हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी का जन्मोत्सव है। आप सब यहाँ आए महाराज जी के जन्मदिवस पर और महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको बना रहे। माँ गंगा माँ काली का कृपा करे,
हमारे महाराज जी सदैव आप सबको आशीर्वाद देते रहें, हमें आशीर्वाद देते रहें। और हर वर्ष यहाँ पर महाराज जी का बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव हम सब मिलकर मनाएं। आप सब ने मेरे साथ मिलकर बोलना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निरंजनी अखाड़ा से राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुर जी महाराज जी का भी और सभी संतों का बहुत बहुत आशीर्वाद सभी भक्तों पर। हरे हर, हरे हर, हरे हर, ओ शंकर भगवान की। अभी हम सब लोगों ने महामंडलेश्वर राघवेंद्र भारती जी महाराज का आशीर्वचन प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में विराजमान महामंडलेश्वर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका हमें अभी आशीर्वाद प्राप्त होगा, मैं निवेदन करता हूं उनके श्री चरणों में। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। नौ वर्ष अंग्रेजी का है और विशेष अवसर है आज इस अवसर पे मंच पे विराजमान परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, परम श्रद्धे परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, परम श्रद्धे निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धे रविंद्रपुरी जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी महाराज और उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर और वर्तमान उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्या जी, संत वृंद, भाइयों तथा बहनों, मनुष्य जीवन दुर्लभ है ये सभी जानते हैं, लेकिन जीवन के अंदर जो अवसर होता है वो भी बड़ा दुर्लभ होता है। जिस दिन अवतरण होता है, जिस दिन ये काया मिलती है, जिस दिन ये पंच तत्वों का शरीर मिलता है, ये दिन भी बड़ा दुर्लभ होता है। और ये दिन जिनका अवतरण हो, जिनका जन्म हो, उनके विश्लेषण का दिन है कि जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला उस उद्देश्य की पूर्ति में हम सार्थक प्रयत्न कर पा रहे हैं या नहीं। आत्म अध्ययन, स्व का अध्ययन करने का ये दिन है जन्मदिन वालों के लिए, ये सबके लिए कहा जा रहा है। अवसर तो हमारे पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी का है, लेकिन उसी बहाने हम सबको समझना चाहिए कि जन्मदिन जो लोग बाहर आज मनाते हैं मोमबत्तियां बुझाकर और केक काटकर, उसका उद्देश्य क्या होता है। क्या हम जो जीवन हमने पीछे जिया है वो सार्थक रहा है या नहीं, और आगे के लिए हमारी योजना क्या है। क्योंकि जीवन में तभी सफलताएं मिलती है जब हम योजना बनाते हैं और डे बाय डे, वीक बाय वीक और महीने महीने और साल की योजनाएं होती है तो जीवन सार्थक होता है, अन्यथा ऐसे ही फिसल जाता है। हमारे पूज्य भ्राता श्री आचार्य महामंडलेश्वर जिनका आज ये अवतरण दिवस है, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। हमने उन्हें तब से देखा है
जब वो पहली बार काली मंदिर में आए थे और उस समय से हमारा संबंध है उनसे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास किया, क्रमिक रूप से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी, उनकी साधना बढ़ी, निश्चित ही उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा है, सार्थकता को समझी है और अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं और होंगे। क्योंकि एक संत का जीवन एक उदाहरण होता है। किताबों और शास्त्रों से पढ़कर कोई संत नहीं बनता, बल्कि संतों को पढ़ के शास्त्र लिखे जाते हैं, उनका प्रत्यक्ष जीवन ही शास्त्र प्रमाण होते हैं। और ऐसे संत श्रद्धेय कैलासानंद गिरी जी महाराज, और संत का जीवन समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए, क्योंकि सामान्य सी बात है, सभी लोग कहते हैं कि वृक्ष अपने लिए फल नहीं देते, नदी अपने लिए नहीं बहती और साधु अपने लिए नहीं जीते, तो ये राह भी आसान नहीं है। जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए संकेत है कि लोग मान लेते हैं कि ऐसे ही कोई साधु हो जाता है, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पे मिलते हैं, ले दर्द जमाने का दिल में बस हिम्मत वाले चलते हैं। किसने कहा था ईसा से सूली के सोपान चढ़ो, किसने कहा था सुकरात से विष के प्याले की ओर बढ़ो, वो जानबूझकर इस कठिन मार्ग पे चलने वाले साधु होते हैं। और उनकी जिंदगी का सार हम इतना ही कहेंगे कि साधु कोई है तो साधु बनता नहीं, साधु होता है, और न साधु बनाया जा सकता है, आचरण साधु होता है। जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा, जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा, दुखियारी पीड़ित मानवता देखकर जिसका अंतस सीखा, बना वही जग का पैगंबर मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ व गिरजा घर की शान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो संत का जीवन इसी तरह का होता है जिससे देखकर हम प्रेरणा ले सके। तो आज के इस विशेष अवसर पर शुभकामना है कि हमारे आत्मीय महाराज श्री दीर्घायु हो, यशस्वी हो और पूरे विश्व में इनका यश फैले, इनके ज्ञान का विस्तार सभी जगह हो, उनका लाभ लोगों को मिले। और आप सबकी भी शुभकामनाएं उनके लिए हो, हमारे तरफ से है ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अब इसी श्रृंखला में हम निवेदन करेंगे पूज्यपाद जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज से। कल्याणी दक्षिण कालिका भगवती भागीरथी पतित पावनी माँ गंगा के तीरे चंडिका मनसा देवी और आद्या महामाया माँ माया देवी के आशीष अनुग्रह से अभिरक्षित इस हरिद्वार में आज के इस दिव्य आयोजन की मूल सत्ता, प्रेरक सत्ता को शुभकामनाएं और अपने आशीष देने पधारे वंदनीय परम सम्मानीय जगतगुरु जो आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं और जिनके अवतरण अथवा आविर्भाव दिवस के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं, उन उस समूह में मंचस्थ पूज्य वंदनीय संतवृंद, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, संगीतज्ञ बंधुगण और बहुत एक दिव्य स्वर आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय रवि कृष्ण जी, ये दोनों न केवल सांसद हैं, ये न केवल नेता हैं, ये दोनों अभिनेता भी हैं
और भारत की दिव्य संस्कृति, संस्कार और उसकी संवेदनाओं के प्रतिनिधि भी हैं, और इसके बीच एक उमंग, उल्लास, आनंद, उत्साह, एक ऐसा ये एक दिव्य परिवेश जिसमें हम आत्मीय संवेदनाओं को, उन संवेग और संवेदनाओं को अनुभूत कर सकते हैं जिसमें केवल आदर है, अनुराग है, परस्पर भाव है, प्रीति है, माधुर्य है, और उस सब की जो नियामक और नाभिकीय प्रेरक सत्ता है, ऐसे आदरणीय निरंजन पीठाधीश्वर, मेरे अत्यंत आत्मीय पूज्य आचार्य कैलाशानंद जी के आमंत्रण पर हम सब यहाँ एकत्रित हैं। जैसा कि डॉक्टर उमाकांत जी जो एक अच्छे विचारक हैं, हमारे बड़े ख्यात महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने आरंभिक अपने उद्बोधन में कहा कि मनुजता दुर्लभ है पर कभी अवसर भी अधिक दुर्लभ होता है। तो ये जो आज का अवसर है इसमें एक वैशिष्ट है, और वैशिष्ट है पूज्य आचार्य जी के आविर्भाव का। और हमारी संस्कृति में दोनों ही उत्सव माने गए, विशेषकर सन्यासियों के यहाँ। जन्म तो उत्सव है ही, पर मरण भी, समाधि भी एक प्रकार से उत्सव है, क्योंकि सन्यासी इस सत्य से परिचित होता है कि संसार क्षण भंगुर है, नश्वर है और परिवर्तनशील है। इस अवसर पर आपको भी शुभकामनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। ओम शम। तो मनोज तिवारी जी से मेरी अपील है कि वो अपने शब्दों से एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, दोनों हाथ उठा के बोलिए गंगा मैया की, परम पावन तीर्थ हरिद्वार की। ये हमारा सौभाग्य है कि आज अपने गुरुजी पूजनीय श्री कैलाशानंद गुरुजी के जन्म दिवस पे, और संतों के जन्म को तो जन्म दिवस कहना नहीं चाहिए, ये एक प्रकार का अवतरण दिवस ही हुआ करता है, उस अवसर पे हमें भी आने का मौका मिला। हमारे साथ हमारे भाई रवि किशन जी भी आए हैं, और मंच पे जो संत चरण है उनके दर्शन करने से ही हम सभी के न जाने कितने छोटे मोटे जो गलतियों का फल होता है वो नष्ट हो जाता है, लाभ मिलता है, पाप कटते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो मैं इस समय अपनी तरफ से मैं जरूर दो भजन सुना करके अपने आने की और यहां उपस्थित होने के समय का लाभ लेंगे। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। श्री गंगा जी का तट है, माँ काली स्थान है, गुरु के चरण है पास में, जन्मो महान है। जहां गुरु के चरण बसे वो
तीर्थ बड़ा हो जाता है। बड़े भाग्य से शिष्य वहां ऐसे अवसर पे आता। मैं अपनी तरफ से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि गुरुदेव चरण कमलों में हम सबको बसाए रखना। गुरुदेव चरण कमलों में हम सबको बसाए रखना। गुरुदेव चरण कमलों में हम सबको बसाए। एक शिष्य की इच्छा तो यही होती है, गुरुदेव चरण कमलों में हम सबको बसाए रखना। गुरुदेव चरण कमलों में अपने चरणों की शीतल छाया, अपने चरणों की शीतल छाया हम सब पे बनाए रखना। अपने चरणों की शीतल छाया हम सब पे बनाए रखना। हमारे लिए अपने गुरु जी के जन्म दिवस पे भजन गाने का मौका मिल जाए तो फिर तो हम जब बनारस वाले आते हरिद्वार में तो हम भोलेनाथ को भी याद करना ही चाहते। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरिद्वार के काली मठ पे, हरिद्वार काली मंदिर पे बैठे हम हैं संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। त्रिशूल पे बसी नगरिया बोले शिव अविनाशी। काशी से हरिद्वार तलक, काशी से हरिद्वार तलक बैठे शिव अविनाशी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हरिद्वार पावन नगरी में, हरिद्वार पावन नगरी। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज
हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस पावन पवित्र मां भागीरथी के तट पर, इस पवित्र शक्ति के प्रांगण में पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में सभी पूज्य महापुरुष वृंद, पूज्य संत वृंद समक्ष, सभी संत वृंद, आज एक ऐतिहासिक दिवस है और इस दिवस पर आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर, पूज्य मेरे प्रिय भिन्न और आदरणीय पूज्यपाद स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने क्या दिन चुना, आज का ऐसा दिन चुना, नए साल की शुरुआत और जीवन की शुरुआत प्रारंभ किस तरह से हो, सत्संग के माध्यम से ऐसा संदेश दिया, संतों के दर्शन से। हम दोनों हाथ खड़े करके सभी पूज्य संतों के सानिध्य में, सभी जितने लोग बैठे हैं पूज्य संतों के सानिध्य में, हम सब लोग संकल्प करते हैं कि हम सब लोग इसका पालन करेंगे। पूज्य महाराज श्री, आज आपको मंगल कामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम, जन्मदिनम तव सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम, जन्मदिनम तव। प्रणाम पूर्वक वाणी को विश्राम। अब समय की दीर्घा को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। करतल ध्वनि के द्वारा सभी का स्वागत करते रहें। भारत माता की, आज का यह पावन उत्सव हम सब के परम श्रद्धेय, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज, यूं तो हमारे हमें अग्रज के रूप में देखते हैं, पर हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे अनुज मिले हैं जो देश और संस्कृति के लिए एक उदाहरण है। अपने तप के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा जो भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए उदाहरणभूत हैं, एक वो उदाहरण है, एक प्रतीक है, एक वह सबके लिए अनुकरणीय, एक तरह से आइडल, एक आइडियल व्यक्ति हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री के आज हम सब बहुत उत्साह से इस मंच पर परम श्रद्धेय पूज्य भारतीय संस्कृति परंपरा के हस्ताक्षर श्रद्धेय शंकराचार्य जी महाराज हैं, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महाराज हैं, परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे पूज्य मुनि जी महाराज हैं, हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे महामंडलेश्वर
यहाँ पर विराजमान हैं और साथ में मंच में हमारी बहुत आदरणीय माताजी हैं मौर्या जी, और हमारे इस मंच पर आदरणीय शिव प्रकाश जी, और हमारे भाई जो अभी अपने दोनों ऐसा लगता है कि हैं यूपी बिहार के लगते जुड़वा भाई हो आप दोनों। तो इस तरह से एक साथ आपने गायन किया, सभी लोग पूज्य संत गण संत चरणों की यहाँ पर पावन उपस्थिति है, सभी लोग बड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए, छोटे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, मकसद एक ही है, हम सब मिल करके आज इस दिन को, यूं भी आज आंग्ल नववर्ष है, हमारा नववर्ष नहीं है, अंग्रेजों का है, पर शुभकामनाएं तो प्रतिदिन सबको दी जा सकती है, तो यह सबके लिए मंगलमय हो। मुनि जी महाराज के कर कमलों से सभी मंच पे जितने भी हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए पवित्र रुद्राक्ष के वृक्ष का पौधों का सब पूज्य महाराज श्री प्रदान कर रहे हैं, परम श्रद्धेय मुनि जी महाराज को भी इस वृक्षारोपण के महाअभियान को चलाने के लिए भी मुनि जी महाराज का भी बहुत प्रणाम अभिनंदन और वंदन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ओम जरा दो मिनट इधर से आने वालों को रोको, दो महत्वपूर्ण बातें कहनी है और फिर वाणी को विराम देना है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये दो दिन जीवन के बहुत महत्वपूर्ण दिन हैं। एक है जन्मदिन, ध्यान से सुनना, जन्मदिन कब तक मनाया जाता है? जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक वो जन्मदिन मनाया जाता है, और जाने के बाद वही दिन यदि हमने देश के लिए, समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, हमने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए यदि काम किया हो, और वही जन्मदिन जाने के बाद जयंती मनाई जाती है, जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपका ये जन्म दिवस प्रेरणा दिवस के रूप में आने वाले समय में मनाया जाए, मैं आपको भी और आपके गुरु जी को भी दोनों को प्रणाम करता हूँ। और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और रविंद्रपुरी जी ने जो मेहनत की है उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। और श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा के श्री महंत हरिगिरि जी महाराज, मैं कहना चाहता हूँ कभी बरेली जाना, बरेली में देखना 108 पूरा कायाकल्प करके 108 एक सरोवर बना के 108 शिवलिंगों की स्थापना की। बहुत बहुत महाराज जी आपको भी साधुवाद। मंगल भवानी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ गुरु जी के जन्मदिन की बलिहारी बधाई रवि मनोज तिवारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आप लोग भी गा रहे हैं ना, आप लोग गा रहे हैं, थोड़ा इसको कम करना, नहीं के बराबर कर दो, छोड़ दो, सब छोड़ दो, एक बार गुरु जी के लिए हम लोग गाएंगे। राम सिया राम सिया राम
स्वस्ति प्रजाभ्यः सुखिनो भवन्तु। बड़े ही आज प्रसन्नता का ये अवसर है कि जहां निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है और मुझे तो वैसे भी प्रसन्नता तो आप सभी को होगी, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी प्रसन्नता का कारण तो बहुत बड़ा है क्योंकि एक आचार्य के रूप में और मेरे शिष्य ने प्रतिष्ठित होकर सारे विश्व में अपनी कीर्ति का डिमडिम घोष किया है, सारा समाज उसको अब आज मेरे चेले की एक इनसाइट भी शुरू हो गई है, तो मेरा चेहरा चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड हो लेकिन वो होगा राइट साइड। शंकराचार्य जयंती पर ये जो सार्वजनिक कार्यक्रम है ये मनाया जाएगा, ऐसी मैं अपने चेले से अपेक्षा करता हूं, बाकी तो आप लोग सुन। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति ते तन्मयतया तरवोभिने दुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। संगीत सुन भैया, गुरु जी ने जो कहा वो सभी को स्वीकार है। गुरु की जो आज्ञा है वो सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई अजौ बिरंची शंकर सम होई। शंकर के समान भी यदि कोई है तो वो बिना गुरु का भव सागर पार नहीं कर सकता है, और यदि आचार्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो परंपरा का पालन कौन करेगा। इसीलिए जीवन में गुरु सर्वोपरि है। गुरु से बड़ा भगवान, अभी संगीत सोम भैया ने कहा, गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो
गोविंद से मिलाने वाला कौन है? गुरु है। अष्टावक्र गीता में आया है, कथम मिच्छसि मुक्ति ही मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषयत त्यज विषयान विषवत त्यज क्षमार जब दया तोसम सत्यम पीयूषवत भव। आचार्य अशोक दुबे जी, व्याकरण के आचार्य हमारे त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी, श्रीमद अष्टावक्र गीता या श्रीमद भगवद गीता, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज क्षमार जब दया तोसम सत्यम पीयूषवत भज। हे राजन, यदि आप मुक्ति चाहते हो, मुक्ति मिच्छसि चेतात, यदि मुक्ति चाहते हो, ज्ञान की कामना रखते हो, और अंत में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानो, सर्वोपरि स्वीकार करो। गु का अर्थ होता अंधकार, रु का अर्थ होता प्रकाश। यहां ऋषि कुमार स्वामी जी हमारे अत्यंत प्रिय हैं, हमारे अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, और पूरे देश में मंत्र को प्रचयिता के रूप में प्रदान करते हैं। तो मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज क्षमार जब दया तोसम सत्यम पीयूषवत भज। गुरु की आज्ञा से बड़ा कोई आज्ञा इस धरा पर और कोई नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि 1 जनवरी को केवल मैं, अब यहां मैं शब्द बहुत खराब है, मैं शब्द कथम ज्ञानम अवाप्नोति मुक्तिर्मेन भविष्यति। अष्टावक्र गीता आचार्य प्रवर, अष्टावक्र गीता श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषद सुजायते अष्टावक्र गीता वदितुं अष्टावक्र महा महोदयः या महाभागा। तो कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति ज्ञानम च कथम प्राप्त मैं तद ब्रूहि मम प्रभो। ज्ञान भक्ति और मुक्ति, ज्ञान मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति केवल गुरु की आज्ञा से है। इसलिए गुरु की आज्ञा पर किसी प्रकार का ना कोई संदेह है, ना कोई सवाल है, ना कोई विचार है। अविचारणीयम गुरुर आज्ञा, गुरु की आज्ञा बिना विचारे हमें स्वीकार करना चाहिए निरंतर और सर्वत्र सर्व समय। इसलिए गुरु जी की आज्ञा हुई, 1 जनवरी को हम माई का पूजन करेंगे और गंगा मैया का पूजन करेंगे, और शंकराचार्य भगवान की जयंती पर हम अपने जन्म दिवस को पूरी परंपराओं के साथ आप लोगों के सहयोग से, आपके साथ, और हमारे जो इस बार जितने यहां महापुरुष बैठे हैं उसमें हरिगिरि जी महाराज मेरे अत्यंत प्रिय हैं। हरिगिरि जी महाराज ने कहा, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और भारतीय संस्कृति को और भारतीय संस्कृति के, मैं अगर ये कहूं कि ये पुरोधा है, इन्होंने भारतीय संस्कृति को गांव गांव तक तो पहुंचाया है लेकिन परंपराओं तक स्थापित करने का कार्य किया है। तो इसलिए मैं संगीत सोमैया से कहूंगा कि वह पूज्य सभी संतों का अभिनंदन करते हुए आप सबों का आभार प्रकट करें, और आगामी शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती के दिन हम अपने जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे। ओम परम सिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमृ नित्य आयिकामर्थ सिद्धे। आज कई जन्म जन्मांत के पुण्य पामन पवित्र के इस भागीरथी के गोद में महाराज श्री
लोग तो कुछ भी बोले, महाराज को मैं हृदय से जगत गुरु राजेश्वर आश्रम नहीं कहता हूं, राजेश्वानंद गिरी कहता हूं। इसलिए जो मैं यथार्थ महाराज के चरणों में, महाराज की आज्ञा से, महाराज से बहुत कुछ मैंने त्याग के बारे में, अनेक के बारे में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ही अनेक प्रकार का कार्य और कहीं न कहीं आज जिसके जन्मदिन है, महाराज श्री की कृपा से, महाराज जी के कहीं न कहीं दृष्टिकोण में मैं निश्चित प्रार्थना करता चाहता हूं कि जो भी आपकी इच्छा और आपको कभी न कभी आत्मा ये स्वीकार करेगी, को पल वो क्षण कि जिस दिन आप श्री का ये चेला कैलासानंद जी आचार्य महापूजनी और जो कि अखाड़ों को तो जितने भी अखाड़े होते हैं, कोई भी आचार्य होता है वो अखाड़े का गुरु कहलाता है, गुरु गादी कहलाती है। इसलिए मतलब हम ये प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार का महाराज ने आज बावन के रूप में जिस तरीके से जन्मदिन का दान की दीक्षा किया, जिस तरीके से परीक्षा की घड़ी थी, चाहे कोई दबी आवाज में था, चाहे आतंक का वातावरण था या डर के मारे था, लोगों के मन में कुछ न कुछ तो हो ही रहा था, क्योंकि सत्य तो सत्य है, पर जो उसने साहस किया उसका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, क्योंकि अपने गुरु के सामने अपने हृदय की बात नहीं कह पाया तो गुरु नहीं, वो शिष्य नहीं। जैसे महाराज जी के अभी अभी आपके व्यवहार में नजर आया कि कोई बैठा सकता है तो शिष्य तो बैठा सकता है सामने ही, तो इस तरीके से महाराज जी का था। और महादेव के त्रयी इतना होने के बाद भी, इतने भक्तों को होने के बाद भी, इतने श्रद्धालुओं को होने के बाद भी, महादेव के त्रय निस्वार्थ, निष्कामना, निष्कलंक, जो कल्पना नहीं कर सकता आदमी, उसके लिए मुस्कुराते हुए कैलासानंद जी ने कहा, जसा गुरु वाक्यम जनार्दनम, गुरु वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है, उसमें कोई नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो, गुरु कंद में चरणों में जब अपना सर दे दिया और कह दिया तन मन धन गुरु जी के अर्पण, मेरा जरूर एक चिंतन था, एक लोभ था, और महाराज जी बैठे हैं राजेश्वानंद गिरी जी महाराज प्रकाशानंद आश्रम, क्योंकि महाराज श्री का मेरा यही परिचय महाराज कृपा से ही स्थापित हुआ था, और यही आए और यही रहेगा, बाकी लोग कुछ भी समय के साथ कह सकते हैं सुन सकते हैं, पर कुछ हम लोग ऐसे हैं जो कि रूढ़िवाद हैं और अपना विचार अपने चिंतन हृदय से रखते हैं। नमः पार्वती पते, एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद महाराज जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मंच का करता हूं जगत गुरु शंकराचार्य जी के, हमें उपदेश सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, और यहां आए हुए सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए।